लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पांडू, इससे पहले कि वो अपना कानून भेजे, हमें उसकी सरकार गिरानी होगी। चारों तरफ दंगा फसाद करवा दो, आग लगवा दो, जगह जगह बम फटने चाहिए, लोग मरने चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर का हुलिया बिगाड़ दो। पांडे भाई, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हाँ सब इंतजाम हो गया है, बस 5 मिनट में वो निकलने वाले हैं। हे राम, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, 3-4 दिन से कुछ खतरनाक किस्म के लोग जबरदस्ती हमारे घर में घुसकर बैठ गए। वो लोग कुछ बम ब्लास्ट, दंगा फसाद जैसी बातें कर रहे थे। हम लोग बहुत डरे हुए हैं। हमारी आपसे नम्रता पूर्वक विनती है कि इससे पहले कि वो लोग कोई विनाशकारी करें, आप तुरंत ही कोई कदम उठाएं। सदा आपका भला चाहने वाला, आपके राज्य का एक जिम्मेदार नागरिक। माय गॉड, ये कुलकर्णी। यस सर। ये चिट्ठी कहां से आई है? इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है बंसल साहब, आप फौरन पांडुरंग को गिरफ्तार कीजिए। ओके सर। मैंने कहा था पांडुरंग को अरेस्ट करो, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सर, जब उसे पता चला कि हम लोग उसे पकड़ने वाले हैं, तो गोल गप्पा बीमारी का बहाना करके यहाँ फैल गया। ये देखिए, फटे कलिंगर की तरह पड़ा हुआ है। मिस्टर पांडुरंग, आपसे जरूरी पूछताछ करनी है, उम्मीद है आप कोऑपरेट करेंगे। वाह वाह वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है ये। एक्सक्यूज मी सर, मेरे क्लाइंट को हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर और हेवी चेस्ट पेन है, वो बात नहीं कर सकते। वकालत छोड़कर डॉक्टर बन गए? नहीं नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेडिकल रिपोर्ट्स बोल रही है, आप देखिए ना, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। ओके ओके, आई अंडरस्टैंड। बंसल साहब, जरा देखिए ना, क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। सर, इनके दाहिने पैर में फुंसी हो गई थी और हाई डायबिटीज की वजह से गैंग्रीन हो गया और फुंसी का फुंसा हो गया, तो डॉक्टर ने कमर में बेहोशी का इंजेक्शन देकर इनकी दाहिनी टांग काट दी है। मेरा पैर, मेरा पैर, मेरा पैर खा गया। उसे टेरेस पर सुखाने को रखा। मेरा पैर। अरे सर, ये देखिए, ये देखिए, इसका डायबिटीज कितना बढ़ गया है। अब क्या करेंगे? इसकी दूसरी टांग भी काटनी पड़ेगी। एक्सक्यूज मी सर, डोंट डिस्टर्ब द पेशेंट, आप लोग जाइए। ए वकील, तू यहाँ से बाहर जा। सर, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल फिट हूँ। होता है, होता है, मरने से पहले हर आदमी को ऐसा ही लगता है। ये देखिए, आपको बीपी है, चेस्ट पेन है, डायबिटीज है, किडनी फेल है, बवासीर है। नहीं सर, आप समझ नहीं रहे, सारे सर्टिफिकेट झूठे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई शब गेट आउट टू हेल। अब बता, पांडू बम कहाँ कहाँ रखे हैं? टाइगर बॉम्ब या झंडू बॉम्ब? कॉमेडी करता है? सच बता दे, वरना यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाएगा। देखिए सर, मैं आप लोगों से सच बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम है। देखो पांडू, झूठे मेडिकल सर्टिफिकेट्स देकर तुम खुद अपने जाल में फंस गए हो। इसमें लिखा तुम्हें हाई शुगर है। अब हम तुम्हारे पैर काटे, हाथ काटे या जो भी काटे, कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ पांडू भैया, इन तीन में से कोई भी एक उंगली पकड़िए। ये किस लिए? ये तुम्हारा पैर काटने के लिए। और ये तुम्हारा हाथ काटने के लिए। और ये वो काटने के लिए। नहीं, कुछ मत काटना प्लीज, कुछ मत काटना। मैं बताता हूँ सच, मैं बताता हूँ। हमने 4 जगह बम लगाए, एक वीटी स्टेशन में, एक वो एसटी डिपो में, एक रिजर्व बैंक में और एक वो कूल कैब वाली ब्लू टैक्सी में। ये लो तुम्हारा फर्नीचर वापस। मेरा पांव वापस आ गया, गणपति बाप्पा मोरया, मैं सो जाऊं? हवालात में सो जाना। फॉरेन बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को सारे स्पॉट्स पर भेज दो। यस सर। और पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके बोल दो कि कूल कैब वालों की सारी टैक्सियों को ऐसी जगह छोड़ दे जहां कोई आता जाता ना हो। ओके। नहीं मिला सर, आप जाइए सर, हम लोग देख लेंगे। नहीं, जिम्मेदारी मेरी भी है,
एक सेकंड, यहां चेक करो। ऐसे नहीं सर, आप नहीं, पीछे पीछे हो जाओ सब लोग, कमांड चेक, कमांड बैक 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 बैक। शिवाजी राव की सरकार को गिराने के लिए वो चार बम आपने लगवाए थे। खुद बम लगवाता है और खुद ही जाके निकालता है और इल्जाम हम पर लगाता है। इतने सारे बम में से एक भी फटा क्या? क्योंकि फटने से पहले एन वक्त पर वो खुद ही जाकर सब हटा देता था। दरअसल हम तीनों पार्टियों के एक होने से वो आधा हो गया है, इसलिए कोई नए टाइप के पॉलिटिक्स करके वो हमारी जड़ें काटना चाहता है। लेकिन उनके घर में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ वो? लेकिन वो तो नहीं मरा ना। लोगों की हमदर्दी जीतने के लिए उसने अपने माँ बाप की भी बलि चढ़ा दी, ऐसा आदमी है वो। आपका क्या जवाब है सर? इंक्वायरी होगी। क्या आपने खुद अपने माँ बाप? नो कमेंट्स प्लीज। आज हमें यहां क्यों बुला लिया? देखो, मैं अपनी मर्जी से सीएम नहीं बनाऊं, ना ही तुमसे लड़ झगड़ कर तुम्हारी कुर्सी छीनी है। लाखों लोग चलकर मेरे घर पर आए, मुझे चुनाव में खड़ा किया, मुझे जिताया, ये सोचकर कि मैं उनके लिए कुछ अच्छा करूंगा। आज जब मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूं, तुम मेरे बीच में आ रहे हो। मैं कहां बीच में आ रहा हूं, मुझे तो तुमने घर पे बिठा रखा है। हां हां, तुम लोग जो रूलिंग पार्टी को गिराने के लिए जितना दिमाग, जितने पैसे, जितने लोग खर्च करते हो, उसका 1% भी लोगों की भलाई के लिए खर्च किया होता तो आज तुम यहां बैठे होते और मैं घर में खुश होता।
जब देखो हड़ताल, दंगा फसाद, बम ब्लास्ट, मैं अपना काम करूं या बम ढूंढता फिरूं। अरे यार, तुम तो शुरू से ही मेरे पीछे पड़े हुए हो। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ किया है तो पुलिस तुम्हारी है, कानून तुम्हारा है, केस फाइल करो, तहकीकात करो, इंक्वायरी कमीशन बैठाओ, अगर साबित हो जाए तो मुझे फांसी पर लटका दो। मैंने तुम्हें रोका है क्या? ए! तुम जैसे घटिया नेता कानून से कबड्डी खेलकर कैसे बच जाते मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन आज तुम मुझसे बच नहीं सकते। I'm gonna kill you. इतनी जल्दी हार मान गए? कौन जीता और कौन हारा ये तुम्हें अभी पता चल जाएगा। बेटा, 30 साल का तजुर्बा है हमारा राजनीति का। अच्छे अच्छों को चूस कर गुठलियां फेंक दी हैं। अभी तुम्हारे पास आया हूं तो दुनिया भर को मालूम है कि मैं यहां इस कमरे में तुम्हारे साथ अकेला बैठा हूं। मुझे मारकर तुम भी बच नहीं सकोगे। तुम्हारा तजुर्बा अगर 30 साल का है तो पिछले 1 साल से तुमसे लड़ते लड़ते मेरा तजुर्बा 31 साल का हो गया है। मैं अब गोली चलाऊंगा। ये गोली तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए है। गार्ड्स! मुझे बेवकूफ बनाया कमीने! आप जो बोल रहे हैं सुनने के लिए अच्छा है, बहस के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। बिल्कुल प्रैक्टिकल है। सिर्फ एक दिन के लिए सीएम बन के देखो। अच्छा इंटरव्यू था वो। बंसल साहब, आखिर सबने मिलकर मुझे भी पॉलिटिशियन बना ही दिया। नहीं सर, वो गंदे कामों के लिए पॉलिटिक्स करता था, आपने अच्छे काम के लिए पॉलिटिक्स की है, वो भी सिर्फ एक बार। लेकिन मैं बस सर, ना आपने कुछ कहा है ना मैंने कुछ सुना है। ये देखा, इतने अच्छे सीएम को बेरहमी से गोली मार दी इसने। बराबर बोलो ना। हटाओ हटाओ,